इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर तरुण कोठारी। तो सर बताइए क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर सुनवाई? आज जो है दो मैटर को लेकर सुनवाई थी। एक मैटर तो ये था कि पुलिस ने मेरे ऊपर जो एफ आई आर दर्ज की थी, तो लास्ट 3 जून की डेट थी, उस दिन जैसा जो तो आज इसकी सुनवाई होनी थी। मामला ये है कि मैं डॉक्टर तरुण कोठारी हूँ और मैंने पिछले 2-3 सालों से जो बात कह रहा हूँ वही बात मैं अभी भी कह रहा हूँ। देश के किसी व्यक्ति को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी व्यक्ति को वैक्सीन लेने की आवश्यकता। मास्क बहुत खतरनाक है, मास्क पहनने से आपकी ऑक्सीजन कम हो जाता है और आपको कैंसर होगा। मास्क पहनने से आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करना कम करेगा, तो आपको रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम्स है, चाहे निमोनिया है, निमोथोरेक्स है, इन्फ्यूजन है, लंग अपसेज है, लंग सिस्ट है, लंग मास है, ये सब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, इससे आप मरेंगे, तो आपको मास्क नहीं करना। और दूसरी बात जो है वैक्सीन को लेकर के है, वैक्सीन के बहुत ज़बरदस्त साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। लोग वैक्सीन से रास्ते में पड़ते चलते चलते गिर रहे हैं, मर रहे हैं, डांस करते हुए लोग मर रहे हैं, है ना। तो वैक्सीन किसी व्यक्ति को नहीं लेना है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। इसी बात को लेकर के दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने मेरे खिलाफ एक एफ आई आर दर्ज की, उसमें अलग अलग धाराएं हैं, उसको लेकर के आज सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने अब उसकी नेक्स्ट तारीख दी है, नेक्स्ट तारीख जो है 17 फरवरी 2023 की है। इसके साथ में एक केस और था, हमने इसी के अगेंस्ट में केस किया हुआ है और हमने कहा कि जो पुलिस की जो धाराएं लगी वो गलत है और जो बात हम कह रहे हैं वो बात सही है। और पुलिस मुझे अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने से रोक रही है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ड्यूटी है देश के प्रति, संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जनता के प्रति, उसको मैं निभाऊँ, जबकि पुलिस उसमें रिकॉर्ड पैदा कर रही है। तो हमने पुलिस के ऊपर केस किया है कि ये सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। तो जो सब इंस्पेक्टर जिसने इसकी जाँच की उसको, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सीनियर अधिकारी पुलिस के उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो पुलिस कमिश्नर है दिल्ली का उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जाए और दिल्ली का जो सीएम है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो एक अलग केस हमने फाइल किया था, उसकी भी आज सुनवाई थी और उसकी सुनवाई भी अब जो है नेक्स्ट 13 फरवरी। आप कह रहे हैं कि मास्क और जो वैक्सीन है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कैंपेन चला रहे हैं और इसका बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि हम मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, तो क्या आप उन सभी लोगों को खारिज करते हैं जो सरकार में बैठे तमाम डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनका मतलब, और यहाँ इसने प्रधानमंत्री मोदी स्वतः तो पूरा फैसला नहीं लेता, पूरी कमेटी उसका डिसीजन लेती है, तो आप इस सब कैसे नकार सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इस गेम को लेकर के सारे तथ्य हमने समय समय पर समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं। आज भी ये है कि अगर हम कोई बात कहते हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमारी बात हटा देते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, आपको अपनी तथ्यात्मक बात रखने का मौका तक नहीं मिलता है ना। तो जब हम बात रख रहे हैं, जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जिस मास्क की बात कर रहे हैं, मास्क की जो पोर साइज होती है, मास्क में छेद होता है, उस छेद की जो साइज होती है वो कितनी होती है, वो जो आप कोरोना वायरस कहते हैं उसकी साइज कितनी होती है। अब मान लीजिए ये गेट है और ये गेट अगर खुला हुआ है और आप कहते हैं कि भाई यहाँ से तो इंसान नहीं जा सकता, इंसान तो जाएगा, और ये गेट लगा रखा है आप लोग, इसे ये गेट तो हमने चूहे को रोकने के लिए लगा रखा था, क्या चूहा रुक जाएगा उस गेट से? इस गेट से इंसान तो रुकेगा, चूहा तो नहीं रुक सकता ना। तो आप सोचिए जो मास्क है उसकी पोर साइज होती है 800 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये उसकी पोर साइज है, छेद साइज है। और जो जिस कोरोना की ये बात करते हैं वो आपका 100 नैनोमीटर है, 8 गुना बड़ा छेद है आपके मास्क के अंदर, तो किस आधार पर आपको रोक सकता है? तो ये वायरस तो पहली बात तो आपके मास्क से इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, लेकिन मास्क से बाकी बीमारी जो है आपके शरीर के अंदर वो बढ़ सकती है। यह साइंटिफिकली प्रूव है, दुनिया के कोई भी ऐसा वैज्ञानिक सबूत प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया है और देश के किसी भी सिस्टम ने सबूत नहीं दिया है कि मास्क से क्या क्या लाभ है। उसके उलट हमारे पास कई स्टडी ऐसी भी है जहाँ पर मास्क से होने वाले नुकसान बताए गए पीछे करो सर, यही चीज़ वैक्सीन को लेकर के है, वैक्सीन से कोई लाभ नहीं हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, वैक्सीन से थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि बॉडी में थ्रोम्बोसिस बन रहा है, वैक्सीन से बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसिस बन रहा है और चूंकि थ्रोम्बोसिस बन रहा है तो थ्रोम्बोसिस से एम्बोलिज्म हो रहा है और लोग कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं, लोग ब्रेन स्ट्रोक से मर रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो इस प्रकार की ऐसी चीज़ें। अच्छा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार ने कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट में ये खुद बोला है कि वैक्सीन से 1100 लोगों की मौत हुई, नंबर एक। नंबर दो, भारत सरकार ये बोल रही है कि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स के लिए, मौतों के लिए 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है। क्या आप में से किसी को पता है नंबर क्या है? सरकार कहती है कि वहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है, लोग साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। बगैर रिपोर्टिंग के 1100 लोगों की बात हो रही है, अगर रिपोर्टिंग की जाए, एक्चुअल रिपोर्टिंग की जाए, तो कम से कम 1,100,000 लोगों की मौत इस वैक्सीन से। क्या क्या फैसला लेंगे सर, मतलब आपके हिसाब से? तो जो वैक्सीन है और जो भी मतलब वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए उपयोग की जा रहे हैं, मास्क है, वो सब गैर कानूनी और गैर उपयुक्त है, तो सब जनता को जागरूक करने के लिए क्या आपके कदम रहेंगे? हम जनता को पिछले 2.5-3 वर्ष में लगातार जागरूक कर रहे हैं, और हमारे सबसे पूरी टीम जो लगी हुई है, हमारे टीम के प्रयासों से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज ले ली है। सरकार ने पार्लियामेंट से बात बताई है, हमारी टीम ने जो लोगों को जगाया है उससे 4 करोड़ लोग जागे हैं, जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली, और 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक डोज लिया, एक डोज के बाद सब टीका मालूम चला है। तो देश में धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, सरकार चाह रही है बूस्टर लो, लेकिन लोग बूस्टर अब नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी टीम काम कर रही है उसकी मदद कर रही है। सर, इतनी बड़ी मशीनरी है पूरी दुनिया की, WHO तमाम, कैसे आप लोग लड़ेंगे? आपकी बात, बहुत लोग हैं जो इस पे विश्वास करते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, मास्क पहनने से बचाव होता है और भी चीज़ों से बचाव होता है। देखिए, सत्य तो बार बार उठ के आता है, सत्य को आप थोड़ा दबा सकते हैं लेकिन उसको अधिक समय तक दबा के रख नहीं सकते, वो बार बार उठ के आगे आएगा, है ना। ये सत्य का नतीजा है कि आप खुद देखिए कि 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोज ले लिए, और 16 करोड़ ऐसे हैं जो एक डोज लेकर उनको बात समझ में आ गई है, और अब बूस्टर को ले नहीं रहा है। तो सरकार के प्रयास के बावजूद जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, उसकी वजह से करोड़ों लोग जो है अब जागरूक हो चुके हैं, अब वो वैक्सीन नहीं ले रहे। क्या लगता है कि लेकिन जो सरकार होती है वो तो जनता के लिए, आप एक तरीके से सरकार पे ही उंगली उठा देते हैं अगर आप ऐसा कहते हैं? अगर सरकार जनता के लिए, तो एक बात बताइए, ब्रिटेन की रानी की मृत्यु हुई है ना, तो ब्रिटेन की रानी की मृत्यु होने से हमारे देश में किस बात के लिए आप झंडा झुकाएंगे, किस बात के लिए हमारे देश में आप राष्ट्रीय शोक घोषित करेंगे? ये कहने के लिए देश आज़ाद है, आज भी वो 54 देश जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है ना। कॉमनवेल्थ का हिंदी में नाम क्या है? राष्ट्रमंडल। अच्छा, कॉमनवेल्थ का जो शब्द का मतलब क्या होता है? कॉमन सामूहिक, वेल्थ मतलब संपत्ति, सामूहिक संपत्ति, इसका मतलब होता है सामूहिक संपत्ति। अब मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपया, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, और मैं कहता हूँ आप सब आ जाओ हम सामूहिक संपत्ति कर लेते हैं, यही गेम चल रहा है। ब्रिटेन ने यही गेम खेला, उनके पास कम संपत्ति थी, दुनिया के दूसरों के पास कम ज़्यादा संपत्ति थी, उनको बुला लिया जी हमारी कॉमनवेल्थ है। और हिंदुस्तान में लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि कॉमनवेल्थ का जो हिंदी है वो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल नहीं है, वो सामूहिक संपत्ति ही है। और ये देश को लूटने का काम अभी भी जारी है, देश अभी भी गुलाम है, जो पश्चिम के देश तय करते हैं वही हमारे देश को नियम कानून लागू करना पड़ता है। हमारी सरकार है, ये कैसे एजेंट होकर काम करती है, आरोप कैसे लगा सकते हैं? देश में केंद्र में एक सशक्त सरकार बैठी है, आप कह रहे हैं कि देश अभी गुलाम है, मोदी जी पर भरोसा नहीं है? सशक्त सरकार बैठी हुई तो देश का झंडा क्यों चुका हुआ? ब्रिटेन के धानी की मृत्यु पर भारत के अंदर शोक क्यों मना रहे हैं? किस बात का शोक मनाया जा रहा है? वो हमारी दुश्मन थी, देश की दुश्मन थी, देश की दुश्मन में मृत्यु होती तो खुशी होती है, गम मनाया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि वो जो कहते हैं वही हमें करना पड़ता है, ये मजबूत है। आप देखिए कि पूरे कोरोना काल के अंदर जो प्रधानमंत्री जी बिल गेट्स से बात करते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी को 500 मेल किया, हमारे मेल का तो जवाब नहीं मिला, लेकिन बिल गेट्स से चर्चा कर रहे हैं। बिल गेट्स तो डॉक्टर भी तो नहीं है ना, अगर डॉक्टर होते तो बात समझते कि एक डॉक्टर से चर्चा हो रही है, तो एक कंप्यूटर इंजीनियर से बात करें कि कोरोना को कैसे रोका जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश का मुखिया है ना, जब देश का मुखिया ही जब देश ताकत से मिल जाए तो फिर तंत्र सारा कुछ कर देता है। आप आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी विदेशी ताकतों से मिले? मोदी जी विदेशी ताकतों से मिले, उन्हें विदेशी ताकतों द्वारा स्थापित किया गया व्यक्ति है, ये एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, और निश्चित तौर से इसके तथ्य और प्रमाण मौजूद। क्या लगता है, देश अभी सुरक्षित हाथों में नहीं है? जैसे अभी मैंने आपकी चर्चा सुनी, जिक्र किया जा रहा था कि देश द्वारा गुलाम बन सकता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, देश तो ऑलमोस्ट गुलाम बन चुका है, इसमें थोड़ी बहुत जो कमी होगी बात अलग है, बाकी पूरी तरह से दुनिया के जो तंत्र हैं जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, कुछ विश्व के तंत्र हैं, उनके हाथों में देश को पूरी भी रखा जा चुका है। आज जो फैसला करना होता है वो करता है, आप देखिए देश को कितना चर्चा हो चुका है। अभी आप बोलेंगे कि मोदी जी जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 8 वर्षों में जितना कर्जा देश में लिया गया उतना 60 वर्षों में नहीं लिया गया, उससे अधिक कर्जा तो मोदी साहब ने 8 वर्षों में ले लिया,
जो कर्जा जो होता है वो क्या होता है, वो एक गुलामी की तो है। जो कर्जा देगा वो कुछ ना कुछ शर्त रखेगा, और वो शर्तें क्या सार्वजनिक तो होती नहीं है। वो शर्तें यही होती है कि भैया हम बोलेंगे जी आपके यहाँ पर महामारी है तो आपको मानना पड़ेगा, आपको जनता को बताना पड़ेगा जी महामारी है। हम बोलेंगे जी वैक्सीन लगानी तो आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। ये सब उन शर्तों में कहीं कुछ शामिल होता है, इसी वजह से ये सब देश के अंदर चलता है। सवाल ये भी उठता है सर कि क्या आप का विरोध किससे है, मोदी जी से है या ये महामारी के खिलाफ है, क्या है? मतलब ऐसा भी निकल सकता है कि हमारा जो विरोध है सिस्टम के खिलाफ, हम इस तंत्र के खिलाफ, इस तंत्र को परिवर्तित करना, ये तंत्र देश को बर्बाद करना है। चाहे मोदी जी थे तब, जब मोदी जी से पहले कांग्रेस थी तभी भी देश बर्बाद था। मनमोहन सिंह कौन थे? मनमोहन सिंह जो है पश्चिम से पढ़ कर आए थे। तो क्या क्या दिक्कत है देश में? इतना विकास हुआ है, रेलवे आया, टेलीफोन आया, हॉस्पिटल आए, यूनिवर्सिटी आई, कॉलेज आए, पिछले 100 वर्षों में देखे तो इससे क्या देश का विकास ही हुआ है? इसे आप तरक्की में प्रूव कर सकते हैं। जब भारत, जब 1947 से भारत आजाद हुआ तो $1 1 pound 1 rupee बराबर था। तो आज अगर विकास हुआ है तो $1 1 pound 1 rupee बराबर क्यों नहीं? बराबर होने के लिए विकास हुआ है। हम 80 times नीचे गए हैं। तो जब देश आजाद हुआ तब देश पे कर्जा बिल्कुल शून्य था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तमाम जो सरकार अब तक आई है, कोई एक बात नहीं है, तमाम सरकारें हैं जो अब तक की जो सिद्धि सरकार आई इसके लिए जिम्मेदार। ये तंत्र जो पूरा बनाया गया है, कौन सा तंत्र सही है और इसका समाधान क्या है? देखिए ये तंत्र बदलेगा, सरकार तो आएगी फिर बीजेपी हटेगी और सरकार आएगी, दो सरकार आएगी, तमाम तीसरा विकल्प आएगा। इसमें दो दो तरीके से समाधान होगा, एक समाज के स्तर पर समाधान होगा और एक सत्ता के स्तर पर समाधान होगा। समाज के स्तर पर जो समाधान होगा वो स्थायी होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। एक एक व्यक्ति को योद्धा बनाना, एक एक व्यक्ति को जागरूक करना है। एक एक व्यक्ति लड़ेगा सिस्टम के साथ में तो कोई दुश्मन आ भी जाएगा, और सेना हार भी गई तो अंदर एक मजबूत सेना पहले से तैयार खड़ी होगी। अगर लोग यहाँ पर घूमेंगे, दुश्मन यहाँ पर घूमेंगे तो देश की सेना पर विश्वास नहीं है, देश की सरकार पर विश्वास नहीं है, आम जनता को क्या जरूरत पड़ेगी? एक बात बताइए, क्या देश की सेना हार नहीं सकती? क्या देश की सेना हार नहीं सकती? तो उसके लिए मोदी जी ने किया है ना, जो 4 साल के लिए योजना बनाई है, उसके 4 साल रिटायर होने के बाद, उसके बावजूद क्या देश की सेना 8 दिन तक भी हारी नहीं है? कौन सी देश? अभी देखो रशिया इतना ताकतवर है, वहाँ घुस गया था यूक्रेन के अंदर, वहाँ से पीछे हटना पड़ रहा है। कोई भी सेना कितनी ताकतवर होते हैं, अगर मान लीजिए हमारी सेना 10 युद्ध लड़ती है और 9 जीत गई, 1 हार गई, दुश्मन तो आ जाएगा ना। जब हार गए तो अंदर एक एक व्यक्ति सैनिक बन के खड़ा होगा तो दुश्मन को यूँ भागना पड़ेगा। स्थायी समाधान सरकार के स्तर पर नहीं है, स्थायी समाधान राजनीति के स्तर पर नहीं है, स्थायी समाधान समाज के स्तर पर, समाज को जागरूक करेंगे, समाज को योद्धा बनाएंगे, समाज को सैनिक बनाएंगे, वो एक पक्ष है, वो महत्वपूर्ण पक्ष है। राजनीति परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, ये एक गौण है, ये बहुत मतलब ज्यादा बड़ा। क्या 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 चाहते हो, क्या परिवर्तन चाहते हो, क्या मतलब देश की जनता को समझाना चाहते हो? थोड़ा मोटा मोटा देश का दुश्मन अगर यहाँ घुसता है इस देश के अंदर, वो जनता उठा कर इनकी पत्थर तो मार सकते हैं, जिसके हाथ में जो वो मार सकता है, एक मोबाइल भी अगर पटक मार दोगे तो वो तो उसका सिर घुस जाएगा। तो देश का दुश्मन किसी भी वजह से हमारे देश का घुसता है, देश के भीतर जो ताकतें हैं जो दुश्मन से मिली हुई है, उन ताकतों को समाप्त करने की जिम्मेदारी जो जनता है उसकी, जनता को ही उन्हें समाप्त करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई सेना, कोई संगठन, क्यों लगता है आपको ऐसे देश में सुनो बताए? देखिए बताइए, हमारा देश गुलाम हुआ या नहीं हुआ, ये साबित है, सत्य है। हमारा देश कई बार हुआ है। ऐसी क्या कमी थी कि देश गुलाम हुआ है? बार बार देश गुलाम क्यों होता है? हम बार बार आज़ाद कराते हैं, फिर गुलाम हो जाते हैं, फिर आज़ाद कराते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है। और वो कमी समाज के स्तर पर, वो कमी नागरिकों के स्तर पर, उस कमी को दूर करना ही हमारी प्राथमिकता है, उसी को हम लड़ रहे हैं। ये जो हमारा मोदी जी का जो बयान है, वो आपने सवाल पूछ लिया तो मोदी जी का बयान पूछ आ गया, चाहे मोदी जी हो चाहे मनमोहन सिंह जी हो। मनमोहन सिंह जी की 30 साल की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो विदेशों के द्वारा जारी की गई नीतियाँ हैं। तो सारे के सारे प्रधानमंत्री, सारे का सारा सिस्टम बिका हुआ है, देश पूरा बिक चुका है, इसको बचाने के लिए अब जनता को ही आगे। सर आप पे जो है तमाम धाराएं लग गई हैं, आप आज पटियाला कोर्ट भी आए हुए हैं, आगे भी आपको तारीख मिली है, YouTube से भी, Facebook से, जैसा आपने खुद कहा वहाँ से भी आपका वीडियो कहीं डिलीट कर दिया जाता है, कम्युनिटी गाइडलाइन भी आती है चैनल के ऊपर। कैसे आप लड़ोगे सिस्टम से, जिस सिस्टम को आप कह रहे हो कि हम लड़ेंगे, कितना इतना बड़ा सिस्टम है, बहुत लोग आए गए। देखिए सिस्टम
हिंदुस्तान का तो खराब हुआ ही है, इसके साथ साथ दुनिया का भी सिस्टम खराब है। जिस अमेरिका की हम बात करते हैं वो अमेरिका भी कर्जे के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हम कहते हैं ना भाई 80,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, तो अमेरिका के अंदर $80,000 प्रत्येक व्यक्ति का कर्जा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जदार देश अमेरिका। तो दुनिया के बहुत सारे देश, अब ये सवाल ये उठता है कि अमेरिका भी कर्जदार है तो कर्ज देता कौन, कोई ना कोई तो कर्ज देता होगा ना। वो जो कर्ज देने की जो संस्था है वो इस पूरे विश्व को गुलाम बना रहा है और पूरे विश्व की जनता को अपनी बात पालन कर रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चीन, सब के सब चाहते हैं पूरे वैश्विक स्तर पर एक परिवर्तन हो। अब जो परिवर्तन होगा पूरे वैश्विक स्तर पर होगा, पूरे विश्व के लोग जागरूक हो चुके हैं, और जब लोग एक साथ जागरूक हो जाते हैं तो एक तरफ 800 लोग हैं और एक तरफ 800 करोड़ लोग, 800 जीतेंगे या 800 करोड़ जीतेंगे, जीत हमारी होगी, हम ही जीतेंगे। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर तरुण कोठारी जी, इन्होंने अपनी बात रखी किस प्रकार से देश के सिस्टम से इनको बदलना है और तमाम अपने तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी अपना सिलेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।